नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले साथ आए कांग्रेस एनसीपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। वडाला में बच्ची से रेप के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई और आरपीआई के नेता दीपक निखालजन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। मुंबई के घाट को ऊपर किडनैपिंग मामले में मुंबई पुलिस को मिली कामयाबी, 9 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एक मैकेनिकल इंजीनियर और उसकी बीवी थे मुख्य आरोपी। मॉडल से रेप के मामले में तीनों आरोपी पुलिस वाले हुए सस्पेंड। सुनील खाडपे, सुरेश सूर्यवंशी, योगेश पांडे साकी नाका थाने में थे तैनात, पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। मॉडल रेप केस से सबक लेते हुए मुंबई पुलिस ने दिए सख्त आदेश। डीसीपी के आदेश के बिना कोई भी पुलिस अधिकारी जिस्म फरोशी की रेड में नहीं होगा शामिल। पाक बोट मामले में खंगाले जाएंगे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जांच। बोट पर भारी मात्रा में हेरोइन हुई थी बरामद। वडाला में 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। लोगों की पिटाई की वजह से शख्स अस्पताल में भर्ती। राज्य सरकार जल्द शुरू करेगी कलांगण कार्यक्रम। पहले चरण में 12 जिले में होंगे कार्यक्रम, 15 जून तक चलेंगे। मुंबई करों को बीएमसी देगी क्वालिटी सर्विस, ये कहना है बीएमसी के नए चीफ अजॉय मेहता का। सीताराम कुंटे की जगह बने हैं नए चीफ। रोड सेफ्टी बिल 2014 लागू करने के मुद्दे पर मुंबई के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। गुरुवार 30 अप्रैल को मुंबई में नहीं चलेंगी ऑटो और टैक्सी। वर्सोवा बीच को जल्द ही मिलेगी दुनिया भर में पहचान। विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी तैयार होंगी। राज्य सरकार ने सौंपी एमसीडी को जिम्मेदारी। मुंबई घूमने का मन बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी। आईआरसीटीसी ने मध्यम से शुरू की हेलीकॉप्टर सुविधा। आसमान से देख पाएंगे मुंबई की खूबसूरती। आसमान से मुंबई दर्शन के लिए 15 मिनट के लिए खर्च करने होंगे 20,000 रुपए। 3 सीटर चार्टर फ्लाइट्स की सुविधा। उद्योगपति मुकेश अंबानी एक बार फिर से बने दुनिया में सबसे अमीर भारतीय। मुकेश अंबानी की संपत्ति कुल 19.6 अरब रुपए। फार्मा सेक्टर के दिग्गज दिलीप संघवी दूसरे नंबर पर। विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने माल्या को चेयरमैनशिप छोड़ने को कहा। माल्या ने किया पद छोड़ने से इनकार। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई ने घोषित किए 4th तिमाही के नतीजे। 10.2% बढ़ी बैंक की कमाई। ताज ग्रुप के होटल्स का प्रबंधन करने वाली कंपनी इंडियन होटल्स ईडी के रडार पर है। हवाला विदेशी खातों की जांच। 2000 से पहले इंडियन होटल्स ने देश के बाहर आरबीआई की इजाजत के बिना कई बैंक खाते खोल रखे थे, जिनमें 600 करोड़ रुपए का पैसा किया गया था डाइवर्ट। ईडी और इंडियन होटल्स का मामला पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट। अदालत ने जवाब देने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया। ईडी अब तक इंडियन होटल्स को भेज चुकी है 48 नोटिस। विद्या बालन का होगा सम्मान। दादा साहब फाल्के की जयंती पर महाराष्ट्र सरकार राज कपूर विशेष योगदान सम्मान देगी। महाराष्ट्र सरकार दादा साहब फाल्के की जयंती पर पूर्व अभिनेत्री शशिकला और सोनिया कुलकर्णी को भी करेगी सम्मानित। राज्य भर के विद्यार्थियों को देशभक्ति, प्रगति, लोक कला, संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 1 मई से शुरू होगा कार्यक्रम। 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस। अमिताभ बच्चन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, लेकिन अदालत ने की खारिज। कहा विज्ञापन में भूत की भूमिका निभाने का मतलब ब्लैक मैजिक लॉ का उल्लंघन कतई नहीं। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान सोनम कपूर एक बार फिर से साथ दिखाई देंगे। फिल्म की प्रोड्यूसर सोनम कपूर की बहन रिया कपूर ने कहा। सनी देओल की फिल्म घायल वंस अगेन में एक बार फिर से दिखाई देंगे। फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री सनी देओल के मनाने पर तैयार हुई मीनाक्षी।